तुम्हारे इस प्रहार और इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भाग्य विधाता शनिदेव इस दुष्ट को दंड दे। यदि मुझ पर किसी ने भी प्रहार किया तो वो मेरे प्रहार से बच नहीं पाएगा। साहसी मधु, भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा हमारे विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि तेरे साथ साथ इस मधुवन को भी भस्म कर देगी। मारक शक्तियां प्रकट हो। श्रमिक भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। सात्विक ग्रहों का रक्षा कवच पाकर ध्रुव अपनी तपस्या प्रारंभ करता है। देवर्षि नारद उसे भक्ति, श्रद्धा और आस्था का महत्व समझाते हुए कहते हैं, वत्स ध्रुव, भगवान विष्णु की दिव्य कृपा उनके भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और अडिग आस्था मन में प्रभु भक्ति को जन्म देती है और उसी में से प्रभु कृपा की अमृत धारा बह निकलती है। वत्स, जैसे जैसे तुम्हारा शरीर आराधना के कष्टों का अभ्यस्त होता जाएगा, कष्ट चिंतन मनन और आनंद में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे मन में प्रभु के स्वरूप की जो कल्पना है वो सत्य आकार ले लेगी और उसी सत्य आकार में तुम्हें श्री सत्य नारायण के परम पावन दर्शन सुलभ होंगे। वत्स ध्रुव, अब मैं तुम्हें प्रभु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला परम पावन मंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनो। नमो भगवते, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। बोलो वत्स। ओम नमो भगवते वासुदेव।
शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वत्स ध्रुव, इस परम पावन मंत्र का निरंतर जप प्रारंभ करो। ये मंत्र जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरण कमलों को शीघ्र पहुंचता है। इस मंत्र के कारण जगदीश्वर के हृदय में भक्त के प्रति वात्सल्य प्रफुटित होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारा उच्चारण शुद्ध है वत्स। जप करते समय बाहरी आपदाओं और कष्टों को अनदेखा करके स्वयं को मन, वचन और कर्म से जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परम वीर राक्षस मधु, उठो। हम तुम्हें सक्रिय और सचेत करने आए हैं। मधु, अपने राक्षसी कर्तव्यों को पहचानो। इस प्रकार निद्रा मग्न रहकर राक्षस जाति को लज्जित न करो। तुमने इस मधुबन में अकेले रहकर अनेक सुखों का भोग कर लिया। जागो मधु, जागो। मुझे आदेश देने वाले तुम दोनों कौन हो? यहाँ आकर मुझे छेड़ने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें ज्ञात नहीं, मधुबन मेरा है। इस मधुबन क्षेत्र में मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। देख लिया, देख लिया लंबे सुख भोग का परिणाम राहु। अब ये मधु कोई कष्ट उठाने के इच्छुक नहीं। मैं अपनी कुदृष्टि की भयानक मार से इस मधु के सारे सुख भोग समाप्त कर दूंगा। मैं इसे कंकड़ों, पत्थरों
और कांटों में धकेल दूंगा, तभी इसकी राक्षसी चेतना जागृत होगी। शनिदेव, शनिदेव, मधु राक्षस की राक्षसी वृत्तियों और भयंकर शक्तियों से आप परिचित नहीं हैं। इसे उत्तेजित करने का परिणाम हमारे हित में शुभ नहीं होगा। छे, वीरों की भांति दैत्य सेनापति को बात करते देख भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध और भी अधिक उग्र हो गया है। शनिदेव, हम जो अपना स्वार्थ पूर्ण कराने के इच्छुक हैं, वो आपके क्रोध के कारण पूर्ण नहीं हो सकता। आप अपना क्रोध शांत रखें। मैं मधु राक्षस को ध्रुव के विरुद्ध उकसाता हूँ। शनिदेव का क्रोध इतनी सरलता से शांत नहीं होता रहू, किंतु तुम्हारी प्रार्थना पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। यदि इसने तुम्हारी उपेक्षा की तो मेरे कुदृष्टि का प्रहार इसे संकटों में धकेल देगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाग्य विधाता। परम वीर मधु राक्षस, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। हमारा हित चिंतक हमारे सुख भोग में बाधा डालने का दुस्साहस क्यों कर रहा है? क्यों हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर इस मधुबन क्षेत्र में प्रवेश किया? तुम्हारे मधुबन में प्रवेश करने का दुस्साहस हमने नहीं किया है मधु। हम तो अब भी आकाश में हैं और आकाश की अनंत सीमाएं पृथ्वी की सीमाओं से बांधी नहीं जा सकती। सत्य को इस प्रकार अनदेखा न करो मधु। किस सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं आप? तुम्हारे मधुबन में प्रवेश करके एक बालक विष्णु भक्ति में लीन हो गया है। हम उसी के विरुद्ध तुम्हें सचेत और सावधान करने आए हैं। यदि विष्णु भक्तों के चरण तुम्हारे मधुबन में पड़ गए तो इस क्षेत्र से तुम्हारा एक अधिकार समाप्त हो जाएगा। कौन है वो बालक? वो विष्णु की भक्ति के क्षेत्र में नया अध्याय रचने वाला बालक ध्रुव है। ध्रुव? हाँ हाँ, ध्रुव। ए छिन्न मस्तक, क्या तुम मुझ जागते हुए मधु को निद्रामग्न समझकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो? मुझे तो मधुबन क्षेत्र में वो बालक कहीं दिखाई नहीं पड़ता। चले जाओ यहां से। यदि तुम दोनों ने मेरे सुख भोग में बाधा डालने का दुस्साहस किया तो मैं तुम दोनों को दंडित करूंगा। फल फूल समझकर तुम दोनों को अपना निवाला बनाकर खा जाऊंगा। देख लिया अपने प्रयास का परिणाम राहुल। ये दुष्ट बातों से मानने वाला नहीं, इस तो मधु, अब तुम बिल्कुल राक्षस दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारा ये भयंकर क्रोधी रूप देखकर मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारे इस प्रहार और इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भाग्य विधाता शनिदेव, इस दुष्ट को दंड दे। यदि मुझ पर किसी ने भी प्रहार किया तो वो मेरे प्रहार से बच नहीं पाएगा। ओ, 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 ओ,
साहसी मधु, भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा हमारे विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि तेरे साथ साथ इस मधुवन को भी भस्म कर देगी। मारक शक्तियां प्रकट हो। व्रत में आस्था रखने वाले ग्रह मित्रों, मधु राक्षस के सम्मुख असफल हो जाने के कारण सूर्यपुत्र शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु परम विष्णु भक्त ध्रुव की तपस्या के विरुद्ध अधिक उग्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा गुरुदेव? चंद्रदेव, हमें भक्त ध्रुव की रक्षा हेतु यहाँ निरंतर उपस्थित रहना होगा। देवगुरु, प्रकट रहकर भक्त ध्रुव की रक्षा करना अनुचित होगा, क्योंकि हमें देखकर शनिदेव का क्रोध भड़क सकता है और वे अधिक भयानक रूप धारण कर सकते हैं। देवगुरु, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम अदृश्य रहकर यहां उपस्थित रहेंगे। मंगलदेव, आपके मन में हर एक के मंगल की कामना रहती है, इसी कारण इस समय आपने जो सुझाव दिया है वो उचित है। हम अदृश्य रहकर ध्रुव की सहायता करेंगे। चलिए। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधु राक्षस का राक्षस सत्व हम पर टूट पड़ा, तुम्हारा प्रयास विफल हो गया। अब हम किसी और के शक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। अब हमें स्वयं के बाहुबल से ध्रुव की तपस्या को खंडित करना होगा। बाहुबल तो आपके पास है भाग्य विधाता शनिदेव, मेरे पास तो केवल मस्तक बल है और बाहुबल भी मधु राक्षस ने निर्बल सिद्ध कर दिया। क्षमा करे भाग्य विधाता शनिदेव, मैं निराश हो गया हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि विष्णु भक्तों के विरुद्ध
ये अभियान समाप्त कर देना उचित है। ये तुम क्या कह रहे हो राहू? क्या दैत्यों का सेनापति देवताओं के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा? देवता छलिया है राहू, यदि उन्हें तुम्हारे निराश होने का ज्ञान हो गया तो वे पृथ्वी और पाताल के राक्षसों का सर्वनाश कर देंगे। दैत्य, असुर और राक्षस जातियों के पराक्रम कीर्ति गाथा के पन्नों में बंद कर रह जाएंगे राहू, बंद कर रह जाएंगे। तो मैं क्या करूं भाग्य विधाता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रहों को ग्रसने वाला ये परम वीर दैत्य सेनापति राहु आज एक साधारण से राक्षस मधु के प्रहार से आहत हो गया। मेरे इस अपमान के कारण मेरा मन निराश हो गया है शनिदेव। राहु, तुम तो सदा ही मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलाते रहे हो। यदि आज तुम ही निराश हो गए तो दैत्य, असुर और राक्षस जातियों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा राहु, संकट में पड़ जाएगा। मेरे विध्वंसक शक्तियों के सम्मुख वो साधारण राक्षस मधु जीवित कैसे बच गया? मुझे पूर्ण विश्वास है राहु कि किसी गुप्त शक्ति ने मधु की सहायता की है। आपका विश्वास अन्यथा नहीं हो सकता शनिदेव। आपके उत्साहजनक बातें सुनकर मेरी निराशा छट गई है। अब हम इस दुष्ट विष्णु भक्त ध्रुव को अपनी कुदृष्टि से भस्म कर देंगे।